हेलो फ्रेंड्स, मानी मेरे मंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बोनस इशू आने वाला है, प्लस कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी और डिविडेंड भी रिकमेंड करने वाली है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे 2015 की लिस्टिंग है और कंटिन्यूस जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ स्टॉक के अंदर हुआ, 580-600 के करीब गया। फिर 2018 में एक अच्छा मौका मिला 450 के करीब लेने का, और अब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टॉक चल रहा है, प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अब इनके फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर ग्रोथ रहती है, तो ये स्टॉक फिर से जो है 600 के पार इजीली जाएगा। और ये कंपनी है सिंगिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है, जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं उसके अंदर, फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स हो गए, एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, तो काफ़ी सारी लीडिंग कंपनी है। और ये भी एक लीडर है एशिया के अंदर, और काफ़ी अच्छा स्टॉक इस कंपनी का भी चल रहा है। लोअर रेट्स पे अगर मिलता है तो आप लीजिएगा, प्लस इनके फाइनेंशियल्स आने दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स आते हैं तो इसके अंदर भी एक मौका शॉर्ट टर्म में बनता है। इसका अगर आप देखेंगे तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 10% का ऑलरेडी डिविडेंड 2018 में दिया। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल सितंबर क्वार्टर में भी अच्छे हैं, वहाँ से दिसंबर क्वार्टर के भी जो नतीजे हैं ग्रो हुए हैं। टोटल इनकम 484 करोड़ का है और सितंबर में 436 का था, जो कि ग्रो हुआ है। और इनका नेट प्रॉफिट 86 करोड़ का रहा और लास्ट क्वार्टर में 78, और अब फिर से फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे फिर नतीजे आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो बोनस इशू कंपनी देने वाली है, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखना ज़रूरी है। तो इसका मैं डेट भी आपको दिखाता हूँ कब इनकी बोर्ड की मीटिंग है, काफ़ी जल्दी है। तो ये आप देख सकते हैं, बीएससी से मैंने लेटर निकाला है, आप भी जल्दी निकाल के चेक कर सकते हैं। और 24 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, और लगभग आप देख सकते हैं एक दो दिन ही पड़े हैं, तो ईजिली इस स्टॉक के अंदर वॉच ज़रूर करिएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे और डिविडेंड के बारे में भी अप्रूवल आने वाला है, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोनस शेयर्स इशू के लिए भी कंसीडर करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट्स देखना भी ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपके पास स्टॉक है तो रिजल्ट्स आने तक होल्ड करिए, अच्छे नतीजे आते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 650-625 के करीब स्टॉक को ले जा सकता है। प्लस बोनस इशू अगर अच्छा आता है 1:1 का, तो एक काफ़ी अच्छा मौका इस स्टॉक के अंदर बनता है, तो होल्ड करिएगा। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।